डॉक्टर साहब, डायबिटिक फुट है और हमने बिग टो की रे एम्पुटेशन करनी जी है। सर, ठीक है, तो बिग टो की रे एम्पुटेशन की इंसिजन मार्क करें। सर इसका इन्वर्स रैकेट इंसिजन लगाते हैं इसकी उसके री एम्पुटेशन के लिए। जो पोस्टीरियर सर इसका जो इंसिजन की लिमिट होती है सर, उसमें जो पोस्टीरियर क्रीज लाइन से 1 to 2 सेंटीमीटर हम उसका प्रॉक्सिमल रहते हैं, वहाँ से लेते हैं। और इसकी जो डॉर्सल जो इंसीन है वो हम जो हेड है, जो मेटाटार्सल का हेड है, उससे थोड़ा प्रॉक्सिमल रह के टूवर्ड बेस हम उसको लगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब इस तरफ को आप आएंगे तो बेसिकली जो इसकी मेटाटार्सल है जो कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक चल रही है, जी सर, तो आपने बेसिकली टूवर्ड्स बेस रहना है। जी सर, ठीक है, तो आप इसको इंसिजन को ऐसे यहाँ पर मिलाएंगे कि आप तकरीबन जो है बेस के पास पहुँच जी जाएंगे। सर, तो उसके बाद जब आप इसको एक्सरसाइज करेंगे तो टो तो उतर ही जाएगा, साथ ही जो मेटाटार्सल का हेड है ये भी उतरेगा और पार्ट ऑफ बॉडी भी निकलेगी। जी सर, तो दिस इज़ अ रे डेट इज़ टेकन आउट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रे एम्पुटेशन। ठीक हो गया, तो क्या इस पोजीशन को हम चेंज भी कर सकते हैं? जी सर, इसको हम सर लेटरल साइड पे भी हम इंसिजन दे सकते हैं। ये जो हमने ऐसे रैकेट बनाया है, इस रैकेट को हम इस फॉर्मेट में इधर भी ला सकते हाँ हैं जी सर, डॉक्टर साहब फिफ्थ और फर्स्ट टो के लिए हम के साथ इसीलिए जा कर सकते हैं, जी लेकिन बाकियों के साथ इंसिजन हमेशा ऐसे 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 ही जी रहेगी। सर, चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।